वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं आपका दोस्त। ये पीछे का टायर दोनों सर्विस करने और पीछे के टायर में कम ब्रेक आती थी, वो भी ब्रेक भी सेटिंग करवाना है। तो ये जैक लगा रहे दोनों टायर, ये गाड़ी हो गई ऊँचे, और ये एयर गन मशीन से अपने टायर को खोल लेंगे और उसका सर्विस भी करना है। पीछे चारों चार टायर का सर्विस करना था, आगे का तो हो गया। ये पीछे के टायर निकाल रहे हैं, राइट साइड का पीछे का टायर था वो निकल गया है, और ये लेफ्ट साइड का है तो उसमें अभी ये कैप निकाल लेंगे अपने पहले। ये लेफ्ट राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है, टायर निकल गया अपना, वो अंदर से खोलना पड़ेगा और उसमें से निकाल के ये पूरा हब बाहर निकालना पड़ेगा। ये गन मशीन से मेन जो नट था वो भी निकाल दिया, और ये ड्रम अपने पूरा बाहर निकाल लेंगे। जैसे उसमें ब्रेक कम आती थी तो उसका ब्रेक सेटिंग भी करना है, और ये प्रेशर से पूरा उसका डस्ट था वो निकाल दिया। और ये हो गया अपने लाइनर, लाइनर पहले कुछ ही दिन पहले डाले थे, नए वाले हैं तो उसको खाली सेटिंग करना है। ये ड्रम लगा दिया अपना, उसका जो जितना सेटिंग था वो चढ़ा के थोड़ा उसको साफ करके वापस से उसको जैसे था वैसे लगा देंगे। ये लेफ्ट साइड का अपना फिट हो गया, ये ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। ऑयल सर्विस अपना गाड़ी का है तो ऑयल पानी इंजन, और ये हो गया राइट साइड का, उसका भी सेटिंग कर दिया अपना ब्रेक का, और इसको जैसे था पहले ऐसे लगा देंगे। ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, टायर थोड़ा दब के चलेगा। ये थोड़ा ज़्यादा टाइट हो गया था, इसको थोड़ा कम करेंगे एक पॉइंट। ये हो गया, और उसको जैसे था पहले वैसे भी फिर से उसको लगा देंगे। और ये हो गया 3.5 लीटर इसमें ऑयल आता है, तो ऑयल भी अपने कैस्ट्रोल का डाले हैं,
ऑयल भी पूरा पहले निकाल दिया था, तो ये नया वाला ऑयल डल रहा है अपना। मेन चीज ऑयल अपना सही हिसाब से डालो और टाइम टू टाइम सर्विस करा लो तो गाड़ी की लाइफ बहुत अच्छी चलती है। ये अपने ऑयल पूरा डाल दिया है और उसको कर देंगे एक ढक्कन बंद। अभी ये हो गया फिट। और गेज तपास लेते हैं, देख लेते हैं गेज कितना है। गेज सही है, जितना होना चाहिए उतना हो गया है। और ये पीछे का खोला था वो अपने फिर से फिट कर दे रहे जैसे था फिर से पहले। जो मेन नट है आपका वो लग गया है अभी। ये थोड़ा टाइट है लेकिन गाड़ी चलने से वो स्मूथ हो जाएगा। यानी पहले पैडल पूरा जाता था तब ब्रेक आती थी, तो ये थोड़ा टाइट किया है उसकी वजह से अब ब्रेक जो सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो उसका कैब है वो लगा देते हैं, इसलिए ये भी लेफ्ट साइड का भी उसका गन मशीन से टाइट कर दिया है। और ये उसका भी कैप लगा देते हैं क्योंकि उसमें पानी ना जाए, इसलिए उसके बेयरिंग भी सही रहता है, धूल मिट्टी ना जाए इसलिए। ये हो गया ग्रीसिंग और अपना अब टायर उसमें लगेगा। ये लेफ्ट साइड का पीछे का टायर आ गया। दोस्तों ग्रीसिंग लगाना ज़रूरी है क्योंकि बार बार नट खुलते हैं और टाइट होते हैं, उसकी वजह से नट भी ख़राब होते हैं। ये राइट साइड का हो गया। इसको भी सेम फिट कर लेंगे। ये दोनों साइड टायर फिट हो रहे हैं। ये गन मशीन से अपने टायर उसको लगा देंगे और नट टाइट कर लेंगे। दोस्तों ये गन मशीन से टाइट करते हैं लेकिन एक बार हाथ से भी चेक कर लेना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो। ये कैब लग जाएगी तो समझो अपना आधा अधूरा काम था वो पूरा हो गया है। चारों टायर सर्विस हो गए, गाड़ी में इंजन बदल दिया। ये राइट साइड वाला राइट वाला भी ऐसे ही टाइट कर लेंगे। ये दोस्तों गाड़ी निकल गई है, राउंड पे जा रहे हैं चेक करने के लिए, कोई दिक्कत तो है नहीं, देखते हैं क्या होता है, चेकिंग करके आते हैं वापस। तो दोस्तों कंप्लीट सर्विस हो गई है और अपने ये घर के लिए निकल गए। तो दोस्तों चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और धन्यवाद पूरा वीडियो देखने।